नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित, बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग ही उम्मीद की किरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग, भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन का किया पालन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को किया संबोधित, कहा शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग करना जरूरी, योग का देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है बोलबाला। मध्य प्रदेश भोपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशवासियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, मुस्लिम समाज कार्यकर्ताओं ने भी किया योग, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने किया योग। और प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जा रहा महाअभियान, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी कर दिया बयान, पहले चलाए होते अभियान तो बचाई जा सकती थी लाखों की जान। और अब खबर विस्तार से। दुनिया भर में सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 साल से विश्व के बड़े देशों में भले ही कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग के प्रति उत्साह कम भी नहीं हुआ है। इस बार की थीम योगा फॉर वेलनेस ने लोगों में योग के प्रति लगाव और भी बढ़ा दिया है। राजधानी भोपाल में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व योग दिवस पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग करना आवश्यक है। योग का देश से ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बोलबाला है। इसके लिए मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। वहीं सीएम ने कहा कि योग का मतलब जोड़ना होता है। यदि लोग आसन और प्राणायाम भी करें तो शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोरोना काल में सिद्ध हुआ है कि जो योग करते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर थी। कोरोना मुझे भी हुआ था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं योग करता था। मैं जन जन से अपील करना चाहता हूं, इतनी प्राचीन विधा भारत की हमारे ऋषियों और मुनियों ने हमें दी है, उसको ना भूलें। दुनिया भी योग के रास्ते पर जा रही है, कम से कम हम, हमारे देशवासी, हमारे प्रदेशवासी, हमारे बच्चे प्रतिदिन योग मतलब आसन और प्राणायाम जरूर करें। ये तो कोरोना काल में भी सिद्ध हुआ है कि जो योग करते थे उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी, प्राणायाम जो करते थे उनके फेफड़ों पर भी ज्यादा असर नहीं हुआ कोरोना। और इसलिए जरूरी है कि हम योग और प्राणायाम करते रहें। मध्य प्रदेश भोपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस क्रम में मुस्लिम समाज ने भी योग दिवस के अवसर पर हिस्सा लिया। कमला पार्क में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने योगा किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विश्व योगा दिवस है, इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी में आज हम भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अल्प मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा ये योगा का कार्यक्रम आज चलाता 7:30-8 बजे रखा गया है।
पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अगर इस तरह के अभियान पहले चलाए होते तो लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। उस समय तो भारत सरकार दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन बेचने में लगी हुई थी और जब इलाज के लिए लोगों को सरकार की आवश्यकता थी उस समय सरकार न दवाइयों की कालाबाजारी रोक पाई और न ही लोगों का इलाज दे पाई। हम प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान में भाग लें, सरकार के भरोसे ना रहें। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, जिस तरह के महावैक्सीनेशन अभियान अब सरकार करने जा रही है, अगर इस तरह के अभियान जनवरी फरवरी में चलाए होते तो लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। उस समय तो भारत सरकार दुनिया के 100 देशों में वैक्सीन बेचने में लगी हुई थी और जब इलाज के लिए लोगों को सरकार की आवश्यकता थी उस समय सरकार ना कालाबाजारी रोक पाई ना लोगों को इलाज दे पाई। उस समय सरकार आंकड़ों की बाजीगरी की वैक्सीन देने में लगी हुई थी। मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई 2 महीने में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई सरकार की बदइंतजामी की वजह से। उस समय सरकार केवल और केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही थी। फिर भी हम प्रदेश की जनता से अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ, सरकार के भरोसे ना रहें, अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें और अपने परिजनों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मोदी जी घोषणा करने से पहले सोचते नहीं हैं, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी को लागू करना हो। कोरोना से मृत्यु होने पर हर परिवार को 4 लाख रुपए देने का वादा किया और घोषणा करने के कुछ दिन समय बाद ही मृत परिवार को 4 लाख देने का प्रावधान ही हटा दिया। प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के आलिशान भवन, सेंट्रल विस्टा व नए संसद भवन बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कोरोना से मृत परिवारों के लिए नहीं। वहीं कहा कि मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस गंभीर माननीय पहलू पर संवेदनशील का परिचय देते हुए निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा वैक्सीन लगवाने के लिए सभी ग्रामीण अंचलों सहित सिवनी नगर में सभी से अपील की गई कि जो ग्राम पंचायत अपने संपूर्ण ग्राम पंचायत की ग्रामों में 100% वैक्सीनेशन पूर्ण कर लेगी उन्हें 10 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तीसरी लहर है जिससे सब में ज्यादा बच्चों को खतरा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवाना चाहिए। 3 दिवसीय महा शिविर लगाए जा रहे हैं कोरोना मुक्त करने के लिए, वैक्सीन के लिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन विनती करता हूँ कि आप 10 बजे अपने निकटतम वैक्सीन सेंटर में जाकर लगवाएं। हाँ, ये बात इस बार 18 वर्ष से लेकर ऊपर तक जितने भी व्यक्ति माताएं बहने हैं, आपको पहले से रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं कराना है, सिर्फ अपना आधार कार्ड, आपके पहचान पत्र लेकर आप निकटतम वैक्सीन केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगवाएं। मैंने पहले भी 300 गांव में लगभग माइक लेके अनाउंस किया हूं। अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आने वाली थी वो कई देशों में आ चुकी है और हमारे भी वैज्ञानिक और हमारे भी डॉक्टर कहते हैं कि भारत में भी 6 से 8 महीने के अंदर आ जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आपकी जान की सुरक्षा, आपके परिवार की जान की सुरक्षा करने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार यह वैक्सीन निःशुल्क दे रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन का महाकुंभ शुरू किया गया है। बच्चों ने योग करने के बाद वैक्सीनेशन करवाना शुरू किया। पहले चरण में रतलाम जिले में 30,000 वैक्सीनेशन होगा। रतलाम जिले में कुल 152 वैक्सीनेशन केंद्र खोले गए हैं। सिर्फ रतलाम शहर में वैक्सीनेशन के 52 केंद्र हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 30 तारीख तक वैक्सीनेशन महाअभियान को चलाया जाएगा, जिसमें 1 से 5 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। रतलाम यशवंत सिंह राठौर।
राजगढ़ जिले के कुंडालिया डैम में दो युवकों ने डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार दोनों युवक गन ठाकुर मोहल्ला नलखेड़ा के बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और युवकों की तलाश शुरू कर दी। विश्व योग दिवस अवसर पर शुजालपुर के जटाशंकर महादेव में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में योग रहो निरोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने योग दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि योग और प्राणायाम हमारे जीवन को शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। आज जो भी कोरोना महामारी हमारे सामने मौजूद है उससे बचने में योग और प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आज के युग में योग एक ऐसी साधना है जिससे हमें आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। योग प्राणायाम हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है और आज महामारी कोरोना के रूप में हमारे सामने है, उससे भी बचाव का बड़ा उपाय योग के माध्यम से हमको मिलता है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।